देखिए, मेलामाइन के जो कुकवेयर्स आजकल मिलते हैं, डेफिनेटली देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन गर्म चीज उसमें कोई डालें आप तो वो अगेन इट्स नॉट गुड। खासतौर से अगर आप उसमें गर्म गर्म सूप अगर दे रहे हैं, आजकल उसके बॉल्स होते हैं सूप के, उसमें आप करेंगे गर्म गर्म अगर सूप दे रहे हैं, या फिर कोई खाना उसमें रख के आप गर्म कर रहे हैं, या फिर जो है कुछ उसमें आप खाना पका रहे हैं, इवन या गर्म खाना भी उसमें आपने रखा, तो दैट इज नॉट गुड। खासतौर से हमारी किडनी पर जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर भी इसका असर पड़ता है। खासतौर से जैसे कि थायराइड है, थायराइड आजकल देखा होगा बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, उस पर असर पड़ेगा। और हमेशा जो चीजें हमारे भोजन में मिल जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये टॉक्सिक चीजें हैं या ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो रेडिएशंस हैं, चाहे वो कुछ और चीज है, तो वो सबसे पहले किस पर नुकसान करेगी? हमारा पाचन संस्थान जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, क्योंकि उसी को झेलना पड़ता है उसमें। अगर आप कोई पॉइजनस चीज खाएंगे तो सबसे पहले आपको लूज मोशन लगते हैं, डॉक्टर भी कोता कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग होगी, आपके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है, आपकी आंतों में जो है कई बार ब्लड आ जाता है, खून आने लगता है। फिर अगर हम उसको लॉन्ग टर्म इन चीजों को प्रयोग करते हैं तो अल्टीमेटली उसमें कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं।